फोटो वाले नीचे लोकतंत्र में जनता से संवाद बना रहे, उसी क्रम में यह पदयात्रा का कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छा रिस्पांस जनता का पूरे प्रदेश में मिला है और केंद्र और राज्य की योजनाओं को नीचे पहुंचाने के काम में भी यात्रा सहायक रही, लाभार्थियों से संपर्क में भी। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहे। राहुल गांधी के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल चपत नहीं लगाई है, करारा तमाचा मारा है। उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और एक यशस्वी ईमानदार पारदर्शी सरकार चला रहे प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने असम्मानजनक शब्द प्रयोग किए उसके लिए मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। प्रदेश वहाँ का चुनाव बीजेपी हार कहीं कही जाए तो केवल छत्तीसगढ़ की है, अन्य जगहों पर हम बहुत निकट से चुनाव कुछ कारणों से हम लूज किए हैं दो राज्यों में, लेकिन आगामी जो चुनाव है वो केंद्र में नरेंद्र मोदी को केंद्र में रख के चुनाव होना है। उस पर नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता मन कहीं कोई आँच नहीं है, भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। थैंक यू। कोई नेता इतना इनकम टैक्स नहीं देता है। मायावती जी 6,46,00,000 रुपया प्रतिवर्ष इनकम टैक्स देती है। कौन सी फैक्ट्री खुली? टिकट दलितों के नाम पर टिकट बांटो, टिकट काटो, टिकट का कमीशन लो, यही फैक्ट्री है। समाजवादी पार्टी एक संपत्ति है, उसके बंटवारे की लड़ाई होती है और बंटवारे में बुजुर्ग की जो हाल होती है वो हाल मुलायम की है।